all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Today our subject is Bifocal Computer Science Paper 2nd. Class is 11 Science. Topic is Chapter 4, Visual Basic Part 1. Lecturer by Aditi Patil. So this is the introductions of Visual Basic. In Visual Basics, there are three important parts. We have to run the Visual Basic application. The first one is the Visual Basic. Second one is the event driven, and third one is the event. So Visual Basic is a event driven programming language, right? So what is event driven programming language? Event means we have to do the action on particular event, so that is called the event. Event driven means programming language means the code of the Visual Basic which remains ideal unless and until event doesn't occur. मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं विजुअल बेसिक में, अगर उसमें अगर हम कोई कोड एक्शन से अगर नहीं लेते हैं तो वो आपका जो कोड है वो फायर भी नहीं होगा. फायर मतलब एक्टिव भी नहीं होगा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इवेंट मीन्स क्लिकिंग ऑन अ बटन, स्क्रोलिंग और टू डू सम एक्शन इज कॉल्ड इवेंट. तो जो अभी मैंने बताया है, इवेंट मीन्स वॉट? वी हैव टू डू सम एक्शन जिसमें बटन्स होगा, स्क्रोल होगा, जिसके थ्रू हमारे पास कोडिंग होगी. जब हम एक्शन को क्लिक करेंगे, मतलब हम बटन को क्लिक करेंगे, तभी जाके जो कोडिंग है वो फायर होगा. विल सी द नेक्स्ट वन. फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक्स. फर्स्ट फीचर इज द फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशंस. मीन्स जहाँ पे भी हम लोग विजुअल बेसिक यूज़ करते हैं वहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लेना ज़रूरी है. ऑब्जेक्ट मीन्स देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर लाइक बटन्स, आइकॉन, पिक्चर्स. तो ये सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? कोड करेंगे. सेकेंड फीचर इज़ नंबर ऑफ आइकॉन पिक्चर्स फॉर यूज़र यूज़. मतलब जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो यूज़र के थ्रू ही हम लोग कोड करके रन करेंगे. एंड वॉट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? बाई यूजिंग द माउस, बाई यूजिंग द कीबोर्ड एक्शन. ठीक है, उसके लिए क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस का भी यूज़ होता है. फुल सेट ऑफ मैथमेटिकल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ग्राफिकल फंक्शन का भी यूज़ होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? इट इज़ अ ऑब्जेक्ट. ये सब ऑब्जेक्ट लेकर ही हम लोग जो VB में प्रोग्रामिंग बनाते हैं. अगेन द पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल एंड लास्ट वन इज़ द ActiveX सपोर्ट. मतलब यहाँ पे जो टूल्स बने हुए, जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए डाटाबेस के, तो वो टूल्स लेके भी ही हम लोग जो डाटाबेस का पूरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो ActiveX कंट्रोल्स है वो हमको कंट्रोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. डायरेक्टली हम कंट्रोल यूज़ करके VB में हम लोग पूरा सेटअप कर सकते हैं. विल सी द नेक्स्ट वन. इन विजुअल बेसिक्स देर आर थ्री एडिशंस. फर्स्ट वन इज़ द VB लर्निंग एडिशन, सेकेंड वन इज़ द VB प्रोफेशनल एडिशन, and third one is the VB enterprise edition. We will see here what is learning edition. It is a introductory editions that you easily create a window applications. मतलब VB learning edition में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी applications बनाते हो in VB browser में तो आप easily बना सकते हो, right? Second one is it's covered with all the tools you need to build mainstream window applications. मतलब VB में ऐसे सारे टूल्स होते हैं जो टूल्स यूज़ करके हम लोग जो विंडो एप्लीकेशन बनाने है वो हम लोग बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोफेशनल एडिशनल. अब प्रोफेशनल एडिशन में क्या होता है? इट इज़ फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड इंक्लूड एडवांस फीचर्स सच एज टूल्स टू डेवलप ActiveX एंड इंटरनेट कंट्रोल. आपको कोई ऐसी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है जिसमें काफ़ी आपके ActiveX कंट्रोल और इंटरनेट कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम VB प्रोफेशनल एडिशन का यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम लोग पूरी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम ActiveX कंट्रोल और इंटरनेट कंट्रोल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द VB एंटरप्राइज एडिशंस. इट इज़ द एडवांस एडिशंस एंड इट्स असाइन एट प्रोग्रामर हु बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन ए टीम एनवायरमेंट. अब एंटरप्राइज एडिशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमको एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बनानी है और जिसमें काफ़ी सारी टीम की हमको ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इट्स इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशनल एडिशन प्लस टूल्स सच एज विजुअल सोर्स सेट्स, मीन्स विजुअल कंट्रोल सिस्टम एंड द ऑटोमेशंस एंड द कंपोनेंट मैनेजर्स. मतलब यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिक्स होते हैं और कंपोनेंट्स भी रेडीमेड होते हैं जो हम एंटरप्राइज VB एंटरप्राइज एडिशन में यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे हमको अगर आपका जो विंडो एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपको बनानी है तब जाके हम इस एडिशन का यूज़ करेंगे.
VBA is not a just a language, it is an integrated development environment in which you can develop, run, text and debug your application. मतलब VBA एक ऐसा language है जिसमें आप एक पूरी window based application भी बना सकते हैं और उसमें कुछ ऐसे environments होते हैं जिसमें आप develop भी कर सकते हो, run भी कर सकते हो, at a time उसको test भी कर सकते हो और debug भी कर सकते हो, और finally आपका window application जो है वो आपके पास होता है. We'll see the next one. Study of integrated development environment. अगर आप VBA पढ़ रहे हो तो उसका environment कैसा होता है, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड IDE. जब आप VBA को स्टार्ट करते हो बाई यूजिंग द IDE विथ VBA, यू कैन क्रिएट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अप्लीकेशन. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड EXE, सेकेंड वन इज़ द एक्टिव एक्स EXE, एक्टिव एक्स DLL, मतलब एग्जीक्यूटिवल फाइल और डायनामिक लो लेवल फाइल होती है, लैंग्वेज फाइल्स होती है. देन एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट DLL अगेन, and then VBA application wizards, VBA applications managers and ADE. तो ये सारे tools जो है वो आपके VBA में use होंगे, ठीक है. We will see what is the standard EXE. Standard EXE means it is a typical application जिसमें हम VBA की applications बनाते हैं, ठीक. Next one is the ActiveX EXS and ActiveX DLL. These types of projects are available with professional edition, जिसमें हमारे ActiveX components automatics बने हुए होते हैं, उसका use करके हम हमारी coding के through हम लोग ActiveX control का हमारे applications में use कर सकते हैं. ActiveX controls such as the text box and the command button, option button, then combo button, it is a basic element of the user environment. मतलब जो already inbuilt VBA में controls बने हैं वो controls का हम लोग VBA में use कर सकते हैं. एंड यू कैन बिल्ड योर ओन कस्टम कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है. जो हमारे पास एक्टिव एक्स EXE है उसके थ्रू हमारा खुद का एक कंट्रोल भी हम लोग बना सकते हैं. सी द नेक्स्ट वन, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट EXE, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट DLL. अब इसका यूज़ यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट्स आर VBA applications that run in the environment of the container that support hyperlink. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे विंडो बेस होते हैं जिसमें आप पूरा हाइपर लिंक टूल के साथ कर सकते हैं. मान लो कि आपने एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट लिया हो, है फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर. अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या क्या होता है कि जो भी वेब पेज बने होती है, जो भी पेज बनी होती है विंडो एप्लीकेशन में, उसमें सारी चीज़ें जो है वो लिंक होती है. तो ये एक पर्टिकुलर टूल्स होती है जिसमें हमको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉरी कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी इनबिल्ट्स होते हैं. और इनबिल्ट होने के वजह से हाइपरलिंक्स, सारे हाइपरलिंक्स भी वहाँ पे होती है. जस्ट हम कंट्रोल यूज़ करके हम हाइपरलिंक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द VBA एप्लीकेशंस विजार्ड, VBA विजार्ड मैनेजर. अब इसका यूज़ क्या होता है? दिस एप्लीकेशंस विजार्ड टेक्स यू थ्रू द स्टेप्स ऑफ सेटिंग्स ऑफ द स्केलेटन ऑफ ए न्यू एप्लीकेशन. सी विजार्ड्स मीन्स ऑलरेडी ये स्टेप्स और एप्लीकेशंस बनी हुई होती है. जस्ट हमको क्या करना है कि हम टूल लेते हैं और जो भी वहाँ पे स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करके हम जो भी कंट्रोल्स होती है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब हमको पूरी कंट्रोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी विजार्ड्स और एप्लीकेशंस होती है उसके थ्रू ही डायरेक्ट हम कंट्रोल्स हम VBA में बना सकते हैं. लास्ट वन इज़ द एड इन, यू कैन क्रिएट योर ओन एड इन्स फॉर द VBA एनवायरमेंट. यू कैन एड इन आर अ स्पेशल कमांड, यू कैन एड अ VBA मेन्यू ऑल्सो, देयर अपेयर अंडर द एड इन ई मेन्यू, राइट. जैसे कि हमको एड इन मेन्यू का पता ही होता है कि वो किस लिए होती है, उसमें कंप्लीट टूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, एड इन टूल्स, व्यू, इस तरीके के टूल्स होते हैं. अब ये सारे जो टूल्स हैं हमको एक ही ऑप्शंस में बनाने हैं, एक ही इसमें बनाने हैं, तब जाके हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एड इन का. तो इस तरीके से एड इन एनवायरमेंट भी हमारे VBA में होते हैं जिसका यूज़ करके हम विंडो एप्लीकेशंस को अच्छे से बना सकते हैं. मान लो अगर आपको खुद का एड इन बनाना है, मतलब आपके खुद के कंट्रोल्स बनाने हैं जो कंट्रोल्स काफ़ी सारे हैं, तो वो आप एड इन के थ्रू बना सकते हो. और ये सब चीज़ें कहाँ पे बना सकते हो? VBA में. तो VBA, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड VBA इज़ अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप एक पूरा कम्प्लीटली विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप VBA के थ्रू बना सकते हो. दैट्स इट्स. थैंक यू.